क्या आप अभी कॉलेज में हैं और एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उस टाइम के लिए वेट मत कीजिए। आप अभी से कुछ ना कुछ उसकी शुरुआत कीजिए, जैसे कि उसकी मार्केटिंग कीजिए, अपने आइडियाज़ पे जो भी आपको काम करना है उसके जितना भी हो सकता है उसका प्रमोशन कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों से जुड़िए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए कि उस बिज़नेस को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, और कहाँ से आप फंडिंग ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। क्या होता है कि आप जब बिज़नेस को चालू करेंगे, अपने बिज़नेस को चालू करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। आपके पास पहले से ही एक मार्केट बेस होगा, लोग आपके बारे में जानते होंगे और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी, और आपने अपना प्रमोशन भी कर रखा है, तो आप बहुत जल्दी आपको बूस्ट मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट आपकी कंपनी लेकर आएगी और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, और आपको अपनी गलतियाँ और जो भी आप सही करेंगे वो आपको समझ में आएगा, जो कि आप अगर आपकी कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप उनको सुधार भी सकते हैं, समय रहते सुधार सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो कंपनी है बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और आपको सफलता जल्दी ही मिलेगी। अगर आप पहले से बिज़नेस की प्लानिंग करते हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास साइट, आपने सोचा था कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो आप पहले से उसका प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, उसके बारे में उस पर टाइम दीजिए, उसके बारे में लोगों से सीखिए, आप कंपनियों से सीखिए, उनके सीईओ से सीखिए, उनके अपने जो भी कलीग्स हैं उनसे सीखिए, उसके बारे में पता कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाएगी और आप अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। और अगर आप बिज़नेस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आइए हमसे जुड़िए, हम आपको यहाँ पर देंगे बहुत सारी बिज़नेस की जानकारी, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें और आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।